विदग्ध माधव ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगंतम वाग्मय ममतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलम श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणलता श्रीविशाखान्वितांश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावलातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टी उग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुतु मंद मते दयां दरा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनामि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमद विदग्ध माधव नाटक पंचम अंक में पूर्व प्रसंग में सातवें श्लोक का निरूपण कराए थे, जिस श्लोक में श्री प्रिया जी के भाव में उन्माद दशा भावोन्माद दशा का निरूपण हो रहा था। श्री कृष्ण वियोग में श्री प्रिया में अनेक अनेक भाव एक साथ उदय होते हैं। रस शास्त्र में भाव रस भाव फिर भाव संधि फिर भाव शबलता इन चार का निरूपण प्राप्त होता है। रस भाव रसाभास भाव संधि और भाव शबलता इन पांच वस्तुओं का निरूपण प्राप्त होता है। भाव शबलता उसे कहते हैं जहां पर कई भाव एक साथ उपस्थित हों, कई लहर एक साथ आए, उसका नाम भाव शबलता। ये भाव शबलता कई भावों का एक साथ जो मिश्रण ये दो प्रकार का होता है, कहीं भाव संयोग और कहीं भाव शंकर। जहां संयोग है उसको हम कहेंगे जैसे तिल तंदुल न्याय, और जहां भाव शंकर है उसका मतलब है कि जहां अलग अलग भाव दिखे नहीं, यहां पर अलग अलग भाव दिख रहे हैं, चपलता शंका औत्सुक्य और क्रोध, ये चार भाव एक साथ श्री प्रिया जी में पूर्व श्लोक में निरूपण कराए। चपलता में कह रही है हाय वे गोपी परम धन्य हैं जो शाम सुंदर की सेवा कर रही हैं,
फिर शंका धारण करके कह रही हैं कि हाय ललता यदि मुझे ऐसी उत्सुक देखेगी मेरे ऊपर नाराज होगी कि मैंने तुझे मांग धारण करने के लिए कहा था, तूने मांग को क्यों छोड़ दिया। फिर उत्सुकता धारण करती हुई कह रही हैं कि हाय श्याम सुंदर का मैं मुख दर्शन कब करूंगी। और फिर क्रोध धारण करती हुई कह रही हैं कि अरे विधाता तुझे धिक्कार है, तूने ये मान रूपी विष क्यों उत्पन्न किया, मान की सृष्टि तूने क्यों की जिसने आज मेरे द्वारा प्यारे को पास में आने पर भी प्यारे का अपमान करा दिया और प्यारे को दूर हटा दिया। तो धिक वाम विधि उस वाम विधाता को धिक्कार है जिसने येन गरलम मानाभिधम निर्ममे, जिसने मान नामक ये गरल विष उत्पन्न किया। ऐसे प्रिया एकांत में बैठी हुई है और भाव की तरंग आ रही है। मुख्य भाव जो है वो है स्थाई भाव, वो तो है अपूर्व रूप से शिवप्रिया में श्री कृष्ण प्रेम। स्थाई भाव की परिभाषा दी गई कि जो सजातीय और विजातीय दोनों प्रकार के भावों को अपने भीतर ही समाहित कर ले उसका नाम है स्थाई भाव। जैसे लवणाकर, जैसे नीम का कोई नोन की खाई, अब नोन की खाई में जो कुछ भी गिरेगा खारा या मीठा वो सब नोन ही हो जाएगा। इसी प्रकार जो सजाती और विजाती दोनों प्रकार के भावों को अपने भीतर समाहित कर ले उसका नाम है स्थाई भाव। और यहां पर हम देख रहे हैं कि एक और तो औत्सुक्य है श्री किशोर जी में कि गोविंदम परिरब्ध मिंदु वदनम हाचित्तम संकंठते, कि गोविंद का परिभ्रमण करने के लिए मेरा चित्त उत्कंठित हो रहा है। तो एक और तो उत्कंठा है और दूसरी ओर क्रोध। अब उत्कंठा और क्रोध ये दो तो विरोधी चीज हो गई, उत्सुकता क्रोध तो विरोधी वस्तु हो गए, परंतु श्रृंगार कृष्ण सेवा कृष्ण रति नामक जो स्थाई भाव है उस स्थाई भाव में क्रोध विरोधी भाव भी समाहित हो गया और अंकुश भाव जो शंका चपलता औत्सुक्य ये जो अंकुर भाव है ये अंकुर भाव भी उसमें समाहित हो गए। तो स्थाई भाव की परिभाषा ये दी गई कि जो सजातीय और विजातीय दोनों प्रकार के भावों को अपने भीतर समाहित कर दे। जैसे समुद्र में नौन के समुद्र में जो वस्तु गिरेगी वो नौन ही हो जाएगी, इसी प्रकार क्रोध भी जहां पर प्रेम बन जाता है प्रेम का पोषण करने वाला बन जाता है और जहां उत्सुकता भी प्रेम का पोषण करने वाली होकर के विराजमान हो जाती है। तो ये स्थाई भाव का बिल्कुल बहुत सुंदर और भाव शावल्य का बड़ा सुंदर ये प्रेम उन्माद दशा में श्री किशोरी जी में जो अपूर्व श्याम सुंदर के दर्शन न करने के बाद में जो प्रेमोन्माद हुआ उस प्रेमोन्माद में वे ऐसे प्रलाप करती हुई विराजमान हो रही है। श्री प्रिया प्रेम का श्री राधिका प्रेम की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उसमें सात्विक भाव सुदीप्त होकर के प्रकट होते हैं। सात्विक भाव तीन प्रकार से प्रकट होते हैं, कहीं धूमायित कहीं दीप्त और कहीं सुदीप्त। धूमायित कहेंगे जैसे कोई घास में आग लगा दे तो लौ तो दिखेगी नहीं, धुआं धुआं उड़ेगा, उसका नाम है धूमायित। तो जहां श्वेत कंप रोमांच मुख विवर्णता कंठावरोध कंप उद्घूर्णा चक्कर आना ये जितने भी सात्विक भाव हैं ये उदित तो हो पंत एकदम सामने प्रकट न हो, धुआं देते हुए प्रकट हो, लौ प्रकट नहीं हो रही है, ज्वाला प्रकट नहीं हो रही है, केवल धूम धूम प्रकट हो रहा है तो उसका नाम है धूमायित, माने अत्यंत प्रकट नहीं होते हैं। तो नित्य प्रकरण में कभी धूमायित कभी वो जो सात्विक भाव हैं वे कभी ज्वलित और कभी सुदीप्त होकर के प्रकट होते हैं। परंतु हम सभी के जो भक्ति मार्ग में अभी
गुरुजनों की कृपा से केवल प्रवेश मात्र कर रहे हैं, ऐसे जो प्रारंभिक भक्त हैं उन भक्त जनों की जो दशा है वो ये है कि उनमें कभी कभी संतगणों का संग या ग्रंथ का संग प्राप्त करके छाया और प्रतिबिंब रूप में सात्विक भाव प्रकट होते हैं। इनमें जो गृहस्थी पड़े हुए हैं, संसार में पड़े हुए हैं, बस व्यवहार ही व्यवहार सदा करते हैं, कभी घंटा आध घंटा लेकर के माला बैठ गए हो तो भले बैठते हो, और नहीं तो 24 घंटे में से 23 घंटे 22 घंटे तो जा रहे हैं व्यवहार में, और घंटा आध घंटा कोई माला सरका रहे हो तो सरका रहे हो, उसमें भी विषयों का चिंतन हो रहा है, जाने क्या क्या चिंता आ रही है। तो ऐसे जो जन हैं उनमें जो सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं वे हैं छाया, प्रतिबिंब नहीं, क्योंकि चित्त शुद्ध नहीं है। हम लोग समझते ही हैं कि कभी कोई ग्रंथ आचार्यों के सुनकर के, कभी श्री रूप गोस्वामी जी श्रीमद भागवत उनकी कथा सुनकर के बस दो आंखों में आंसू टपक गए तो ये समझते हैं आहा हम तो बिल्कुल सिद्ध हो गए। उनकी जो दशा है वो क्या है, बोले धुमाई नहीं, धुमाई धुमाई भी नहीं, अभी तो छाया है, सात्विक आभास मात्र है। तो सात्विक दो प्रकार का, एक आभास और एक सात्विक। आभास भी दो प्रकार का, एक छाया और एक प्रतिबिंब। अपनी दशा निरूपण कर रहे हैं, हम लोगों की दशा कैसी है, जैसे छाया, क्यों विषयों से चित्त आवृत है, तो जैसे छाया जो होती है उसमें केवल आउटलाइन दिखती है काली काली, और सब काला है, उसमें आंखना काम नहीं दिखते हैं। जो छाया पड़ी है दीवार पर उसमें केवल शेडो, केवल रिफ्लेक्शन नहीं है, वो शेडो है, केवल छाया छाया मात्र है। तो जिनके चित्त अभी पूरे निर्मल नहीं हुए हैं ऐसे लोग यदि नित्य परकर और रसिक जनों के संग श्रीमद् भागवत इत्यादि के संग में आते हैं तो उनमें भी कभी कभी सात्विक भाव कम, उनकी आंखों में भी कभी कभी आंसू आ जाते हैं, परंतु वो जो आंसू है वे आंसू केवल छाया मात्र हैं। जैसे दीवार के ऊपर बल्ब सामने जल रहा है और दीवार के ऊपर पीछे छाया काली पड़ रही है, उसका नाम छाया। सात्विक का दूसरा जो स्वरूप है सात्विक आभास का, सात्विक नहीं है अभी, अभी सात्विक तो बहुत दूर की बात है। सात्विक का जो आभास है वो जिनके चित्त कहीं यम नियम आसन इत्यादि के द्वारा अपेक्षाकृत शुद्ध हो गए हैं, और जिन्होंने योग चित्तवृत्ति निरोधा चित्त को वश में किया है, ऐसी जो सत सत का विवेक रखने वाले, कौन सी चीज सत है कौन सी चीज असत है इसका विवेक रखने वाले जो है ज्ञानी या विवेकी, भक्त भी विवेकी हो सकते हैं, ऐसे विवेकी जनों में यदि वे ज्ञानी जन भी रसिक जनों का संग करें, श्रीमद् भागवत का संग करें, महापुरुषों का और श्री पंडित बाबा जैसे सिद्ध जनों का संग करें, तो उन संग के प्रभाव से कभी कभी ज्ञानी जनों की आंखों में भी आंसू आते हुए दिखते हैं। ज्ञानी जन भी यदि रासलीला का दर्शन कर रहे हैं तो वे भी कभी संकीर्तन में नृत्य करते हुए रोते हुए दिखते हैं। हैं निर्गुण उपासक, ब्रह्मोपासक, परंतु वे भी श्री कृष्ण लीला का स्मरण करके या दर्शन करके उनमें भी आंसू आते हैं, और ऐसे जो आंसू हैं सात्विक उनको कहा जाएगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का तात्पर्य है जब तक ग्रंथ सामने है, बिंब सामने है, तब तक दर्पण में प्रतिबिंब दिख रहा है, और यदि ग्रंथ सामने नहीं है, बिंब सामने नहीं है, तो प्रतिबिंब गायब हो जाएगा। तो ऐसे जो ज्ञानी हैं उनका जो सात्विक, उनमें श्वेत कंप रोमांच, ये जो है ये रोमांच सबके सब कुछ देर के लिए रहेंगे, जब तक रसकों का संग है तब तक रहेगा, इसके बाद में गायब हो जाएगा। तो ये हुआ सात्विक आभास। अब सात्विक ये तो हुआ आभास। आभास दो प्रकार का, छाया और प्रतिबिंब। छाया हुआ संसारी गृहस्थी जनों में भी कृष्ण लीला का दर्शन करके रोमांच इत्यादि उत्पन्न हो जाना, और प्रतिबिंब हुआ जिन्होंने कुछ दिन भजन किया है और चित्त शुद्ध हो गया है, हरिनाम के द्वारा या साधन अन्य किसी साधन के द्वारा भी चित्त शुद्ध है,
और उनमें जो श्वेत कल्प रोमांच हुए उसको हम कहेंगे प्रतिबिंब। तो छाया भास या प्रतिबिंब रूप आभास, ये दो प्रकार के सात्विक भास हुए। एक अब आता है सात्विक। सात्विक तीन प्रकार के, कहीं धूम्रायित है, धूमायित वो है जैसे घास में किसी ने आग लगा दी, अब धुआं उठ रहा है, ठीक है आग है तो सही वहां पर, आग मूल में ही है परंतु अभी पूरी प्रकट नहीं हुई है, ज्वाला सामने प्रकट नहीं है, उस स्थिति का नाम है साधन की प्रारंभिक अवस्था में भी कहीं रुचि उत्पन्न होने के बाद में भी कभी सात्विक अभाव सात्विक कहीं प्रकट हो जाते हैं और वे धूमायित होकर के रहेंगे। धूमायित के बाद में कभी कभी ज्वलित, ज्वलित होकर के जैसे जो घास में आग लगाई गई थी उसमें ज्वाला भी निकलने लगी, कभी दीप्त और कभी सुदीप्त, जो नित्य परकर है उसमें दीप्त और श्री राधा रानी और उनके परकर में महाभाव में वही भाव सुदीप्त होकर के विराजमान। तो जो सात्विक भाव है उनकी भी चार कैटेगरी हो गई, धूमायित, ज्वलित, दीप्त और सुदीप्त। इनमें श्री राधा रानी और उनके परकर में सुदीप्त सात्विक भाव प्रकट हो रहे हैं और उसी सुदीप्त सात्विक भाव को यहां पर जब सात्विक भाव प्रकट हो रहे हैं तो उन्हीं भावों में अनेक अनेक भावों का सावल्य यहां प्राप्त हो रहा है, उस भाव सावल्य का यहां निरूपण किया। अनेक अनेक एक साथ कई कई भाव तरंग के बीच रूप में आ रहे हैं। स्थाई भाव ऐसा है जो स्थाई भाव समुद्र के समान है और उसमें सब चीज कभी दिखती है, कोई भाव दिखता है कोई भाव नहीं दिखता है परंतु सबको आत्मसात किए हुए, जैसे समुद्र से ही लहर उत्पन्न हुई, समुद्र में ही समा गई फिर दूसरी लहर उत्पन्न हुई, इसी प्रकार एक भाव उत्पन्न होता है वो समाहित हो जाता है, दूसरा भाव उत्पन्न होता है वो समाहित हो जाता है। और श्री प्रिया जी में ये कभी एक एक क्षण में इतनी जल्दी जल्दी लहर उठ रही है कि कभी चपलता, कभी शंका, कभी उत्सुकता, कभी क्रोध, एक एक क्षण क्षण में ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं और उन भावों की कहीं सबलता वहां प्राप्त हो रही है। इतने में ही श्री ललता जी आ गई और कह रही है अदक्षिणे तिष्ठ स्वयमेव कृष्ण निराकृत्य मां भंग्या दूषयति, कि अरे अदक्षिणे अरे अविवेक ने सखी सखी से कितना मीठा, ये जो कहना है सखी का मीठा होकर ये कितने मीठा संबोधन है। अरे अविवेक ने रहने दे प्यारे तेरे पास में आए और स्वयं को कृष्ण का तैने निरादर किया और भंगिमा के द्वारा ये मैं सब समझ रही हूं ये ब्रह्मा को दोष दिया जा रहा है, ये दोष दिया जा रहा है मुझे। श्री किशोर जी के अंतिम वचन पीछे वाले जो वचन थे उसमें अंत में उन्होंने कहा था श्लोक में कि धिग्बाम विदमस्तु येन गरलम मानाभिनम निर्ममे, ऊपर से दिख रहा है जैसे विधि को कह रहे हैं, विधि माने ब्रह्मा से को दोष दे रही है परंतु तत्त्वतः ब्रह्मा को दोष नहीं दे रही है, क्योंकि युगल का रस ये एक सिद्धांत है कि युगल का रस युगल के लिए नहीं है, वृंदावन का विलास युगल के लिए नहीं है, वृंदावन का सारा विलास सखियों का विलास है। श्री प्रियालाल जो कुछ भी विलास करते हैं वो सखियों के लिए विलास करते हैं, ये सखियों की महिमा। सखी जब चाहे तब बामता स्थापित करती है और सखी जब चाहे तब बामता को दूर करती है। तो यहां पर श्री किशोरी जो सखी को तो दोष दे नहीं रही है परंतु बहाने से अन्योक्ति में विधाता को दोष देते हुए, अब विधि शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, विधि का एक अर्थ है विधाता, प्रकट रूप से तो विधाता का सामने हो ही गया परंतु एक दूसरा अर्थ भी प्रकट हो रहा है, विधि का तात्पर्य है सखियों की इस विधि को धिक्कार है, धिक्कार है ललता के इस प्रयास को धिक्कार है, हाय ललता ने मेरे हृदय में
मानता उत्पन्न कर दी। और ललिता जी इसी को पकड़ करके कह रही हैं कि अदक्षिणे तिष्ठ तिष्ठ, अरे अचतुरे ठहरी रहे ठहरी रहे, कृष्ण का अपराध तो किया तूने और दोष दे रही है मुझे कि इस ललिता ने ऐसी विधि फैलाई जिसके कारण मैंने श्याम सुंदर का निरादर कर दिया, मुझे क्यों दोष दे रही है। श्री राधिका कह रही है कि अरे सखी इतने में ही श्री राधिका भावोन्माद दशा में विराजमान है, अपनी कुंज में भावोन्माद। और बिल्कुल ये दृश्य श्रीमद् भागवत में जो भ्रमर गीत का दृश्य है वो दृश्य यहां पर उपस्थित हो गया। श्री प्रिया जी अपनी कुंज में विराजमान है, ललिता जी अभी दूर है सामने नहीं है, प्रिया एकांत में बड़बड़ा रही है और ललिता छुप करके सुन रही है पौर्णमासी जी के साथ में। और भी कह रही है क्या, अरे मुझे दोष दे रही है ये विधाता के बहाने मुझे तूने दोष दिया। फिर श्री राधिका एकदम व्याकुल होकर के कलहांतरिता नायक नायिका दशा उनको प्राप्त कर रही है या विरह दशा को प्राप्त होकर के श्री प्रिया उस समय चित्र जल्प वचन कहती हुई विराजमान। जैसे श्री भ्रमर गीत में दस जो वचन हैं वो चित्र जल्प कहलाते हैं, चित्र जल्प माने चित्र माने दस प्रकार के अलग अलग प्रकार के वचन, तो कहीं जल्प है कहीं सुजल्प है कहीं विजल्प है कहीं अवजल्प है कहीं आजल्प है कहीं सुजल्प है, तो दसों में अलग अलग लक्षण प्राप्त हैं। इनमें प्रजल्प वचन उनको कहेंगे जहां पर के प्यारे की अकुशलता का निरूपण किया जाए उसका नाम है प्रजल्प। जैसे मधु खितव बंधो मांस प्रशांग गृह सपत्न्या कुछ मिलित माला कुंकुम स्मश्न भगना बात मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम यत सदस्य विडम्यम यस्य दूतम त्वमित्र। अब इसमें प्यारे की और प्यारे के दूत की अकुशलता का वर्णन किया गया है। ऐसे ही यहाँ पर भी भ्रमर गीत के उसी प्रसंग को उसी तरह की जो वचन है उन वचनों को यहाँ निरूपण कर रही है कि क्रम रप नमित आत्मा हंत वृंदावनेस्मिन कलयत निज मौलौ बध मौले निदेशम अनुनयत मोहनमान मेत कामान लियम यद अलम मधुरोक्ति तस्य दृष्टिम शतस्य। कि इतने में ही भृंगीन अवलोक्य किसी भोली को आता हुआ देख करके भ्रमरी को आता हुआ देख करके शिवप्रिया उस समय चित्र जल्प वचन कहने लग जाती है। ये किशोरी जी की भावोन्माद जो दशा है उसका वर्णन दिव्योन्माद उस दिव्योन्माद का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। दिव्योन्माद दशा में विराजमान श्री चैतन्य चरितामृत में भी श्रीमद् महाप्रभु दिव्योन्माद दशा का आस्वादन करते हैं और गंभीर लीला में वो दिव्योन्माद अनेक अनेक बार प्रकट होता है। तो यहां पर भी वही दिव्योन्माद यहां पर प्रकट हो रहा है। जिस दिव्योन्माद में प्रेमी ने चेतन और अचेतन इनके विवेक का लोप हो जाता है कि मैं किससे बात कर रही हूं, ये क्या मेरी बात समझ रहा है। कभी पशु पक्षी से कभी अचेतन से भी वे उसको सखी समझ करके अपनी दूती समझ करके उससे बात करने लगते हैं। और श्री किशोरी जी कह रही हैं कि क्रमे रपि नमित आत्मा हंत वृंदावने स्मिन। देखो देखो कि भोरा भी नमित आत्मा अत्यंत अत्यंत प्रणत होकर के हाय वृंदावने स्मिन इस वृंदावन में कलयत निज मौले वध मौले निदेशम। श्याम सुंदर के जिन्होंने वरह मौले वरह माने मयूर मुकुट मौले माने मुकुट मयूर का जिन्होंने मुकुट धारण कर रखा है उन श्याम सुंदर के निर्देश को आदेश को वृंदावन का एक छोटा छोटा कीड़ा भी पालन करता है। और देखो उस चंचल ने आज मुझे मनाने के लिए इस भोले को यहां भेज दिया। तो किसी भोले को आता होता देख करके उस भोले में ही श्री श्याम सुंदर की तरफ से आया हुआ ये कोई दूत है ऐसा विचार करके उस भोले से टेढ़े वचन
श्री किशोरी भी कहने लगती हैं, कह रही हैं, हाँ हाँ अरे भोले मैं सब जानती हूं इस वृंदावन के, तू कोई नया नहीं है, इस वृंदावन के एक एक कीड़े की ये दशा है, एक एक भृंगे, एक एक मक्खी की, एक एक भोरे की ये दशा है कि वे श्याम सुंदर के आदेश को सिर झुका करके स्वीकार करते हैं। तो कृम रवि नमित आत्मा, यहाँ का कीड़ा भी नमित आत्मा सिर झुका करके हंत वृंदावन, इस वृंदावन में कले निज मौले हो मौलव अपने मस्तक के ऊपर बढ़ मौले निदेशम, श्याम सुंदर ने जो आदेश दिया है उस आदेश का अक्षरशः पालन करता है। और अरे दूत बन करके मुझे मनाने आया है, अरे भोले वही मधुप के तो बंधो, अरे भ्रमर, अरे छलिया के बंधु, तू उसके निर्देश से ही मेरे पास में आया। अब यदि मद्यप है तो शराबी की तो ज्वालियों के साथ में प्रीति होनी चाहिए, हमारे साथ में तुम काय को प्रीति करोगे, ये श्याम सुंदर के ऊपर आक्षेप करते हुए कह रहे हैं। मथुरा के जितने भी यादव हैं, द्वारका के मथुरा के, वे सब बदनाम हैं शराब पीने के लिए, मद्यपान करके ही वे आपस में कभी नष्ट होंगे ऐसा कहीं सुनती रही हैं पौर्णमासी जी से, गांधी जी से, पुराणों में हम श्रवण करती रहती हैं। तो यादव कहीं बदनाम है मद्यप रूप में, और जो शराबी होता है उसकी प्रीति होनी चाहिए ज्वालियों से, और ज्वाली रूप में प्रसिद्ध कौन है, बोले कुंती जी, पांडव, युधिष्ठिर, वे ज्वाली के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो अब वे हम सात्विक ब्रजवासियों की कुशल काय को पूछेंगे, अब तो वे कृष्ण दौड़ा दौड़ा करके अक्रूर को भेजेंगे, इंद्रप्रस्थ अक्रूर को भेजेंगे, हस्तिनापुर कुंती जी की कुशल पूछने के लिए भेजेंगे, हमारी कुशल पूछने के लिए काय को भेजेंगे। तो मधुप कहकर के अरे मद्यप, अरे शराबी, अरे मधुपान कराने वाले कितम बंधो, तेरी जो बंधुता है वो हम सात्विक ब्रजवासियों के लिए, वैष्णव ब्रजवासियों के प्रति काय को होगी, अब तो तुम्हारी प्रीति उन कितव, उन ज्वालियों के साथ में होगी, पांडवों के साथ में होगी। तो मधुप कितव कहकर के अन्योक्ति में यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है, व्यंजना में संकेत दिया जा रहा है कि अब हमारी कुशल काय को पूछी जाएगी, अब तो पांडवों की कुशल पूछी जाएगी, वे तो यदनंदन हो गए हैं, यदनंदन बनकर के यदनंदन अभिमान धारण करके अब तो वे पांडवों की कुशल पूछेंगे। मधुप के तब बंधो मास प्रशांत, अरे मेरे चरणों को मत छू, मेरे मुझे मनाने के लिए आया है, और मेरी हमारी सौतों के कुछ कुमकुम को अपनी मूछों के ऊपर लगा करके चला है। वो तेरा मालिक प्रिया से मिलकर के जिस समय सभा में गया होगा, प्रिया की कुछ कुमकुम उसकी माला में लग गई होगी, और तू बैठा होगा उस माला के ऊपर, वो ही कुमकुम तेरी मूछों में लग गई, तेरा मालिक भी अकुशल और तू भी उसी जैसा अकुशल। ये प्यारे की अकुशलता का वर्णन करना, इसी का नाम है प्रजल। तो प्रजल प्रवचन जो है वो प्रजल प्रवचनों को कहते हुए कह रही है कि अरे छलिया के बंधु, हमको मनाने आया, हम हमारे सौतों की मूछों को ही, सौतों की कुछ को, कुछ कुंकुम को ही अपनी मूछ के ऊपर लगा करके आया है, तू आया इस बात को हम मानते हैं, क्योंकि इस वृंदावन में कोई भी पशु पक्षी ऐसा नहीं है जो श्याम सुंदर के आदेश को नहीं मानता हो, अरे भोरा तू आ रहा है, परंतु उस चंद्रावली की सौदक नाम नहीं लेंगे, बोल कोई वो जो बैरन है उनकी कुछ कुमकुम को अपनी मूछ के ऊपर लगा करके यहाँ चला आया है। कलयत निज मौले बढ़ मौले निदेशम और अनुनयत मुहूर्त, अरे क्यों मेरे चरणों में बार बार गिर रहा है, अरे दो पैर वाला हो उसको कहीं साम दाम शास्त्र इनके उपदेश को देकर के समझाया जा सकता है, चार पैर वाला हो उसको भी चाबुक के द्वारा नचाया जा सकता है, रास्ते पर लाया जा सकता है, अरे भोरा तू तो छह पैर वाला है, देर पशु है, तुझे कहां तक समझाएंगे। तो किमे बहु शडंग है, श्रीमद भागवत ने जैसे कह रही है किमे बहु शडंग है गायसित्वम यदुना,
कि अरे देह पशु, अरे छह पैर वाले, हमारे सामने हमारे चरणों में मत गिर मत मत गिर, अरे तुझे श्याम सुंदर के गुणानुवाद का गायन करना हो तो मथुरा में जाकर के जो मथुरावासिनी है उनके सामने उनके गुणों का गायन करना, ऐसे यहाँ पर माननीय स्वरूप धारण करके कह रहे हैं कि अनुनयत मोहन मान मेरे को कामान निनियम, अरे सखी देख देख, अरे देखो देखो ये अलनियम ये भ्रमरे भी अनुनयत मोहन मान मेरे को कामान, मुझे प्यारे के पास में ले जाने के लिए कैसी यहां पर गिर रही है, अरे मैं वहां काय को जाऊंगी, सतत सौम्य श्री वधु सात मास्ते जैसे वहां पर कह रहे हैं कि अरे कोई ना कोई तो उसके पास में उसकी सेवा करने के लिए होगी, भौरानी किशोरी जी से कहा कि नहीं स्वामी उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, बोल क्यों झूठ बोलता है, अरे वो निगोड़ी लक्ष्मी को उसके बक्षस्थल के ऊपर चिन्ह होकर के विराजमान एकांत में वो ही प्रिया बन करके उसके चरणों की सेवा कर रही होगी, तो सतत मुरस्य सौम्य श्री बधु वो लक्ष्मी बधु होकर के तो उसके साथ में ही विराजमान है, तो वो ही जो भाव श्रीमद भागवत के तुमको यूं कहते हो वही भाव यहाँ पर प्रिया जी के मुख से अपने आप प्रकट हो रहे हैं कि अनुनयत मोहरमान नेत कामा, कि मुझे प्यारे के पास में ले जाने के लिए अभिसार कराने के लिए ये भ्रमरी यहां आई है, डेढ़ पशु होकर के छह पाम की होकर के मूर्खा होकर के ये मुझे लेकर लेने के लिए यहां आई है, तब अलम मधुरोक्ति ही परंतु देख कैसी मधुर मधुरोक्ति कह रही है, परंतु मैं ये सब समझ रही हूं कि तेरे मालिक ने सिखा पढ़ा करके तुझे भेजा है, परंतु अब हम तेरी बातों में आने वाली नहीं है, तो तद अलम मधुरोक्ति ही इस मधुरोक्ति को बोलने की आवश्यकता नहीं है, तस्य दृष्टिम शतस्य इस मधुरोक्ति में उस शत की ही दृष्टि पूरी हुई है समाई हुई उसने जो बताया है उसके अनुसार तू यहां पर मुझसे वचन कह रही है, अरे नद अरे अग्नि अरे भ्रमरी तू दूर हट जा दूर हट जा, दौरा सुने के क्रम रपे नमित आत्मा, नमित आत्मा माने विनम्र होकर के, क्रम रपि माने वृंदावन की जो भौरी है भ्रमरी वे भी वृंदावनेस्मिन कलयत निज मौलव अपने मस्तक के ऊपर कलयति माने धारण करती हैं वर मौले निदेशन श्याम सुंदर के आदेश को, श्याम सुंदर के आदेश को ये वृंदावन की भ्रमरियां अपने माथे के ऊपर सर्वदा सर्वदा धारण करती हैं, और उसी आदेश को प्राप्त करके सिखाई पढ़ाई ये भ्रमरी आज